हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में भूकंप आया। यह भूकंप 7.8 तीव्रता के साथ आया था। यह इतना तेज था कि इसका अंदाजा यहाँ पर आप इस बात से लगा सकते हैं कि तुर्की में भूकंप आ रहा था और ग्रीनलैंड हिल रहा था। लगभग 5500 किलोमीटर दूर स्थित ग्रीनलैंड पर इसका असर देखा जा सकता है। 7.8 तीव्रता के साथ आए इस भूकंप के जस्ट बाद ही 7.6 एवं 6 तीव्रता के साथ दो बार और भूकंप आए। इसमें अब तक 21,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और करीबन 70,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको हम बता दें कि सीरिया एवं तुर्की दोनों प्रभावित हुए हैं, लेकिन तुर्की में लगभग 17,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं एवं सीरिया में 5,000 करीब लोग मारे जा चुके हैं। 1932 के बाद लगभग 84 साल बाद तुर्की में एक ऐसा भूकंप आया है जिसमें इस हद तक तबाही एवं जानमाल की हानि हुई है। 1932 में आए भूकंप में लगभग 32,000 लोग मारे गए थे और अब की इस बार के आए भूकंप में अभी भी मारे जाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि भारत को जब यह सूचना प्राप्त हुई तो भारतीय सरकार ने तुरंत अपनी एनडीआरएफ की टीम को भेजने के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और एनडीआरएफ की टीम आज ही 6ठी टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है। भारतीय सेना भी वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया है भारतीय सेना ने, लगभग जिसमें 30 से ज़्यादा बिस्तरों की यानी बेड की संख्या के मरीजों को देखे जाने लगे। एक छोटा सा हॉस्पिटल निर्माण किया गया है जहां पर एक्सरे, वेंटिलेटर इत्यादि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। भारत ने एम्बुलेंस बचाव राहत दल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महिला टीम को भी भेजा गया। एनडीआरएफ में महिला दल भी इस बार वहाँ पर जाकर बचाव रक्षा कार्य में अपना योगदान दे रही है। भारत ने दवाइयाँ, साबुन, शैम्पू, हर इत्यादि की जो बेसिक चीज़ होती हैं उनको भी वहाँ पर भेजा हुआ है। हम आपको बता दें कि भारत के द्वारा भेजे गए इस बचाव कार्यक्रम का नाम दोस्ती अभियान के तहत चलाया जा रहा है। दोस्ती अभियान नाम इसलिए रखा गया क्योंकि दोस्त तुर्की एवं हिंदी दोनों में जिसका अर्थ होता है मित्र, यानी दोस्त एक ऐसा शब्द है जो मित्र हिंदी में तो होता ही है, तुर्की में भी उसका अर्थ मित्र ही होता है। भारत ने अपने मित्रता के निभाने के लिए, मानवता के लिए अपने यहाँ से एनडीआरएफ की टीम को भेजकर वहाँ पर बचाव राहत का कार्यक्रम कर रही है। हम आपको बता दें कि इससे पहले तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ सदैव खड़ा रहा है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में हो चाहे वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर उसने हमेशा भारत के लिए अलग ही बयान देता रहा है और पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। किंतु इस बार जब भारत ने अपने इस एनडीआरएफ की टीम को भेजकर वहां पर अपने बचाव राहत अभियान में अपना योगदान दिया तो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, वो बहुत प्रसन्न हुए। भारत के लिए दोस्ती मित्रता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पाकिस्तान को लताड़ा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी वहाँ पर जा रहे थे वहाँ पर विजिट करने, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ पर मत आइए, हम अभी भी अपने बचाव कार्य में व्यस्त हैं। उसके बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पाकिस्तान में ही आलोचना होने लगी कि जब वहाँ पर इस हद तक आपदा की स्थिति बनी हुई है तो आप वहाँ पर जाकर क्यों जबरदस्ती भी VIP का वो सब क्रिएट करना चाहते हैं। आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत और भारत का तुर्की के लिए खड़ा होना बाकी OIC के संगठन देशों में भी और आसपास के उन देशों में भी पाकिस्तान को अलग थलग करेगा। भारत के इस अभियान से वैश्विक मंच पर भारत को और मजबूती प्रदान हुई, भारत की स्थिति और उभर कर सामने आई है। NDRF की टीम इससे पहले भी जापान एवं नेपाल में आए हुए आपदा प्रबंधन में अपने योगदान दे चुके हैं और वहाँ के लोगों को बचाया जा चुका है। आइए जानते हैं कि तुर्की में इतना भूकंप क्यों आता है। एक आंकड़े के मुताबिक 2020 में मात्र एक वर्ष के अंदर 32,000 से ज़्यादा बार भूकंप आ चुका है। हम आपको यहाँ बता दें कि चूंकि तुर्की में इसलिए भूकंप आता है, तुर्की का जो सबसे बड़ा हिस्सा वो एंटोलियन प्लेट पर स्थित है। बाकी वहाँ पर अन्य 4 और भी वहाँ पर प्लेटें हैं जिसमें अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है एवं अरेबियन प्लेट है। वहाँ पर एक प्लेट के खिसकने की वजह से बाकी 3 प्लेट भी प्रभावित होती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बार बार भूकंप आता है। हम आपको यह भी साथ में बता दें कि तुर्की के लोग जो हैं वहाँ पर आपदा प्रबंध से निपटने के लिए एक टैक्स देते हैं जिसका नाम अर्थक्वेक टैक्स है या आपदा टैक्स के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ की सरकार इसे वसूलती है। तो यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।